हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज 27 मार्च 2021 का आरआरबी एनटीपीसी फेज 5 का लास्ट एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, सभी क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस से होंगे और उसका सटीक सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चंस फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसे आइसोस्केलस ट्रायंगल भी बोलते हैं, जिसके शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये आपके प्रश्न में दिया है। और इसका परिमाप आपके प्रश्न में दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपके प्रश्न में कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। अब इसके शीर्ष से एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपके प्रश्न में कितना दिया है, ये आपके प्रश्न में दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आप एक ट्रिपलेट से जानते होंगे समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से कि ये आपका अगर जो 12 है तो ये 5 होता है, ये 13 होता है, यानी कि आपका ये फिक्स हो गया, 13 हो गया, और ये 13 है तो ये भी 13 होगा, और ये 12 तो ये कितना होगा, 5 होगा। आप ट्रिपलेट से जानते होंगे इस प्रकार से। तो आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि परिमाप दिया है 36, तो यहाँ पर 13 13 26, परिमाप का मतलब 13 प्लस 13 हो गया, और ये कितना हो गया, 5। तो इसमें भी चलेंगे तो ये वाला भी 5 होगा, यानी कि इस प्रकार से 13 13 26 और 10, इस प्रकार से 36 हो रहा है। तो आपका यही वाला दिया गया है आपको ट्रिपलेट में, यानी कि टोटल यहां से यहां तक की आधार कितना हो गई, 10, और ये दोनों भुजा जो बराबर भुजा है 13 हो गई। अब इसका एरिया आप जानते होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना, मतलब इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब जिसे आप हाइट भी बोल सकते हैं, तो कितना है 12, और आधार ले लीजिए, आधार कितना है 5 और 5 10, इसे हल कर दीजिए, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2 6 12, तो 6 गुना 10, कहने का मतलब कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका यूज करके हमने आपको बताया कि ये आपके प्रश्न में लंब कितना 12 दिया है, तो ये 13 हो गया, तो ये भी 13 हो गया, और ये 12 है तो ये वाला 5 होगा, और इस ट्रायंगल से भी देखेंगे ये 12 ये 13 तो ये 5 होगा, मतलब 5 5 10 आपका हो गया। इस प्रकार से आधार यानी कि बेस, तो 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है, इस प्रकार से फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई यूज करके आपका आंसर आ गया, मतलब इसका पूरा एरिया कितना हो गया, एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, x-1/x = 3, तो x³-1/x का मान पूछ रहा है। इसका आपको मेथड फर्स्ट बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड आपको y फॉर्मूला एक तरह से ध्यान रख सकते हैं कि यदि आपके प्रश्न में x-1/x = k दिया है, तो यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर 2 घात वाला, अगर जो 3 घात डायरेक्ट पूछ रहा है, तो x³-1/x³ ये वाला पूछे तो क्या होता है, k का क्यू प्लस 3 गुना k, इस प्रकार से होता है। तो आपके प्रश्न में यहाँ पर कितना दिया है देख सकते हैं, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का q और प्लस 3 गुना 3, तो 3 का q कितना होता है, 3 का q होता है 27 और 3 3 9, तो 27 में कितना हो जाएगा, 36, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड मेथड आपको बता रहे हैं, देखिए मेथड सेकेंड वाई फॉर्मूला, फॉर्मूला आप जानते हैं इस प्रकार से कि a-b का होल क्यू क्या होता है, a³-bq-3ab(a-b), इसका यूज करके a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x, यानी कि x-1/x का होल क्यू x³-1/x³-3ab(a-b), यहां पर यूज करेंगे, और जो x-1/x का मान 3 है तो 3 का q हो गया, ये x³-1/x³ आपके प्रश्न में पूछ रहा है, और ये आपका 3 हो जाएगा, इसका मान आपके प्रश्न में 3 दिया है, तो ये 3 3 9, मतलब -9 इधर चला जाएगा, तो 3 यहाँ 3 का q और माइनस इस तरफ से आएगा तो प्लस, और 3 × 3 इतना बराबर हो जाएगा x³-1/x³। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि x³-1/x³ का मान हो जाएगा ये 3 का q और प्लस 3 गुना 3, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 27 प्लस 9, तो 36 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने आपको ये बेसिक भी बताया, और ये आपको y फॉर्मूला, मतलब ये इसी प्रकार से आपको बनाना होता है। तो दोनों तरीका देखिए, सेकंड के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से,
एक्स बराबर दिया है ए इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर बी इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर सी इंटू ए माइनस बी। तो आपसे एक्स बटा ए का होल क्यू प्लस वाई बटा बी का होल क्यू प्लस जेड बटा सी का होल क्यू का मान पूछ रहा है क्या होगा जो। तो यहां से एक्स बटा ए पूछ रहा है, तो यहां पर देखिए आपके प्रश्न में जो दिया है ये क्या लिखा है, ए गुना बी माइनस सी। तो यहां पर से ए को हम इस तरफ लाएंगे तो एक्स बटा ए हो जाएगा, तो एक्स बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। उसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कि y बटा b बराबर क्या हो जाएगा, y बटा b बराबर हो जाएगा c माइनस a। और यहां पर से आपको दिख रहा है कि z बटा c बराबर क्या हो जाएगा, z बटा c बराबर हो जाएगा a माइनस b। अब आप यहां पर से ये भी देख सकते हैं कि आपके प्रश्न में लिखा है q, कहने का मतलब यहां पर से हम लिख सकते हैं कि b माइनस सी का होल क्यू, x बटा a का मान b माइनस सी है तो b माइनस सी का होल क्यू, प्लस y बटा b का मान c माइनस a है तो c माइनस a का होल क्यू, प्लस जेड बटा सी का मान ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल क्यू। अब इसे सजाकर भी आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो पहले हम सजाकर ऐसे लिख देते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू और प्लस यहाँ पर से सी माइनस ए का होल क्यू, यहाँ पर हमने पहले इसे सजा दिया और ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा यही पूछ रहा है ना, तो आपको एक थोड़ा सा यहाँ रिमेम्बर कराते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या ध्यान रखना है जो देखिए, समझना होगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर जो जीरो है तो यहां पर से आपको पता होना चाहिए x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इतना बराबर क्या होता है, थ्री एक्स वाई जेड। ये आपको ध्यान रखना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होगा थ्री एक्स वाई जेड। अब यहां से देखिए x की जगह पर यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया गया है x की जगह पर कितना दिया गया है a माइनस बी, और y की जगह पर आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, y की जगह पर आपके प्रश्न में दिया गया है b माइनस सी, और z की जगह पर कितना दिया गया है आपके प्रश्न में c माइनस ए। दोनों को जोड़िए मतलब x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, यहां पर से भी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए करेंगे, तो देखिए प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया ना, तो आपका 3x by z होगा। कहने का मतलब यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिख रहे हैं बराबर में 3x के जगह पर कितना है a माइनस बी, तो 3 into a माइनस बी, y के जगह पर कितना है b माइनस सी, तो b माइनस सी, और z के जगह पर है c माइनस a। तो ये हमने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन डायरेक्ट आप बना सकते थे कि b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस बी अगर जो जीरो हो रहा है जोड़कर तो 3 into a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a होता है। या आपको इस ये एक प्रकार से फॉर्मूला भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू बराबर थ्री टाइम्स ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होता है। ये आपको फॉर्मूला भी दिया रहता है बुक में, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से ये भी आपको फॉर्मूला के रूप में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखा, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके आगे फोर नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए फोर। हमने डायग्राम बना दिया है, लिखा गया है, ऐसे डायग्राम बनाने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 66 वर्ग मीटर और इसका आयतन 231 घन मीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताइए। मतलब ये कोई बेलन है, सिलेंडर है, जिसका रेडियस पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया आपके प्रश्न में 66 वर्ग मीटर दिया है और वॉल्यूम दिया है 231 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर से वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये आपका दिया है 66, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको दिया है 231। इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए। आप इक्वेशन 2 को 1 से भाग दे सकते हैं, मतलब फ्रॉम 2 पाई 1 इस प्रकार से भाग दे दीजिए, तो दूसरा इक्वेशन कितना लिखा है पाई आर स्क्वायर, यहाँ थोड़ा लिख रहे हैं और इधर करके पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपके प्रश्न में लिखा है कितना 231, और यहाँ पर आपको ये लिख रहे हैं मतलब 2 पाई आर एच, ये आपको कितना दिया गया है 66। इसे हल करना है तो पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दो आर है, एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा, और ये दो से कैंसिल कर देते हैं 33 दूनी 66, और ये 33 सत्य कितना होता है, सत्य 21 और 2 23, मतलब 231 हो रहा है। तो यहाँ पर से एक आर बच रहा है ना, तो एक आर बराबर कितना 7, यानी कि त्रिज्या कितना हो गई 7 सेंटीमीटर, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जो बेलन का ही है, इसलिए हम बता रहे हैं किसी बेलन की त्रिज्या को दुगनी और ऊंचाई को आधी कर दे तो आयतन का क्या अनुपात होगा। पहले बेलन का आयतन होता है, पहले बेलन का आयतन वी1 और दूसरा बेलन का आयतन वी2, इस प्रकार से लिख रहे हैं। पहले क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब आगे प्रश्न में लिख रहा है ना,
कि त्रिज्या को दुगना, मतलब यहां पर क्या लिख रहा है, त्रिज्या को दुगना यानी कि पाई आर है तो क्या हो जाएगा 2r इसका स्क्वायर, और ऊंचाई को आधा कर देते हैं, ऊंचाई मतलब h है तो h को आधा कर देंगे, कहने का मतलब h बटा 2। अब इसे हल कर दीजिए तो ये पाई आर स्क्वायर h ये कितना हो जाएगा पाई गुना 2 दुनी 4 आर स्क्वायर और ये h बटा 2। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 2 से 2 दुनी 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, h से h भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पूरा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था ना, इधर टोटल कैंसिल हो जाएगा मतलब 1 बचा, और इधर आपका सिर्फ यहां देख रहे हैं ये 2 दुनी 4 जो काटे हैं तो ये वाला सिर्फ 2 बचा है, यही 2 बचा है और बाकी टोटल कैंसिल है, मतलब 1:2 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहले वाले आयतन और दूसरे वाले आयतन का रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, x2 = y + z, y2 = z + x, z2 = x + y दिया है, तो 1x + 1 + 1yy + 1 + 1yz + 1 का मान पूछ रहा है, तो इसे आपको हम बता रहे हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, किससे वैल्यू पुटिंग मेथड से, वैल्यू पुटिंग मेथड आप जानते होंगे क्या होता है, मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग से कैसे बनाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। वैल्यू पुटिंग मेथड क्या कहता है कि एक्स वाई जेड का मान आपको रखना है कि यहाँ सेटिस्फाई, यहाँ मतलब सभी जगह सेटिस्फाई करना चाहिए जो तीनों इक्वेशन दिया है, तो हम अगर जो x, y, z तीनों की जगह पर हम एक लेते हैं तो एक का स्क्वायर एक और यहाँ एक और एक दो हो रहा है, मतलब एक का स्क्वायर और एक प्लस एक, तो ये एक बराबर दो नहीं हो रहा है, मतलब x का मान आप x, y, z का मान एक नहीं लेंगे। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं x बराबर y बराबर z बराबर हम ले रहे हैं 2, तो 2 लेने पर देखिए क्या होता है, अब की बार 2 ले रहे हैं तो 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 2 तो 4 हो रहा है ना, 2 2 4 और 2 2 भी 4, मतलब इस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यहाँ भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 यानी कि 4 बराबर 4 हो रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई जेड की जगह पर 2 ले रहे हैं तो 1 बटा 2 प्लस 1, मतलब ये 1 बटा 3 तीन बार है, तो इसे लिख सकते हैं 3 × 1/2 + 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3 × 1/3, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 इस प्रश्न का, इसे सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं अलजेब्रा का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 हो तो अल्फा स्क्वायर बटे बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर बटे गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बटे बीटा अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे इसे बनाते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका हो जाएगा, अब इससे इसमें भाग देंगे तो बीटा गामा तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर में तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर अल्फा गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा तो बीटा गुना बीटा स्क्वायर तो बीटा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा अल्फा तो बीटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो गामा बचेगा, गामा गुना गामा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, तो आपको पता होगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर क्या होगा, इतना बराबर होगा 3 × α × β × γ होगा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 × α × β × γ, और नीचे भी है α × β × γ, तो अल्फा बीटा गामा कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार से बने वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगा, मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति बन रहा है तो ऐसी स्थिति में परिमाप को समान करते हैं, यानी कि वृत्त से बन रहा है आपका क्या बन रहा है, वृत्त से बन रहा है आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों का परिमाप समान करते हैं, यहाँ पर मतलब इसका परिमाप क्या होता है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, कहने का मतलब 2π का मान 22/7, r आपके प्रश्न में दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार है, मतलब ये तार है जो 7 सेंटीमीटर वाला है, या इसे इस प्रकार से उल्टा भी लिख सकते हैं कि पहले इधर लिख देंगे 2πr, r का मान आपके प्रश्न में 7 दिया है और वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, मतलब सामने सामने लिख रहे हैं ये आपका ये रेडियस r 7 दिया था और इसका आपको साइड a मान लेते हैं, तो यहाँ पर से हल करेंगे तो क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि 2 × 2 = 4 और 11 × 2 = 22 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब a का मान कितना हो गया 11, वर्ग की भुजा कितना हो गई 11, तो वर्ग का विकर्ण आपके प्रश्न में पूछ रहा है, ये डायगोनल आपसे पूछ रहा है वर्ग का विकर्ण,
तो वर्ग के विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण मतलब डायगोनल बोलते हैं जिसे, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट टू गुना भुजा, यानी कि 11√2 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा, देखिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखे हैं ये हमने स्पेशल लिखा है और इसका हम आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन देंगे, इसका आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। आप किसी का भी सोल्यूशन देखिए आपको उससे अच्छा ही रहेगा। ये एक तो होता है आप यहाँ पर एलसीएम लेकर बनाइएगा और फिर बर्मूल वाला टेक्निक अपनाइएगा, वो तो सब जानते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं क्या कि √3/2 त्रिकोणमिति पर इसे लेकर आते हैं, तो कॉस में किसका मान √3/2 होता है, तो √3/2 होता है कॉस में किसका मान, √3/2 को आप कॉस 30 लिख सकते हैं, मतलब कॉस 30 होता है √3/2, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 + cos 30° और माइनस यहां लिख रहे हैं 1 - क्या cos 30° और आप एक फर्दर लिख रहे हैं कि 1 + cos θ का फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 cos²θ/2 और उसी प्रकार से 1 - cos θ का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin²θ/2 इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 1 + cos 30 तो इसे लिखेंगे ना क्या लिखेंगे 2 cos² और 30/2 को लिख सकते हैं 15° इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - cos θ 2 sin²θ/2 होता है तो इसे हम लिख देंगे 2 sin²θ/2 कहने का मतलब 15° इसका स्क्वायर रूट। 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर 15 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी कि कॉस 15। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा साइन 15। अब आप जानते होंगे ऑलरेडी पहले से कि √2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर से cos 15° - sin 15° यहाँ देखिए √2 cos 15 का मान आपको पता होगा √3 + 1/2 √2 होता है, उसी प्रकार से sin 15 का मान क्या होता है √3 - 1/2 √2 ये होता है। इसे आप छोटा ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि माइनस के बाद जो भी लिखा जाता है उसे आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसे हल कर दीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हल कर रहे हैं थोड़ा इधर एक लाइन बढ़ाते हैं, मतलब √2 और यहाँ पर देखिए ध्यान से 2√2 आपका एलसीएम हो गया और ये √3 + 1 पहले से है और ये माइनस अंदर की ओर भेजेंगे तो -√3 और --+1 हो जाएगा, यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 + √3 - √3 कैंसिल हो जाएगा तो +1 + 1 यानी कि +2 हो जाएगा और नीचे भी 2 है तो 2/2 कहने का मतलब 1 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये आपको मान हमने पहले भी बताया था कि साइन 15 का मान होता है √3 - 1/2 क्या होता है √3 - 1/2 √2 जो हमने लिखा है और कॉस 15 का मान भी हमने आपको पहले बताया हुआ है कि √3 + 1/2 √2 होता है। टेन 15 अगर जो पूछता है तो टेन 15 भी बताए हैं, इतना बटा इतना करेंगे तो √3 - 1/2 √3 + 1 पर एकीकरण कर देंगे तो 2 - √3 और cot 15 क्या होता है 2 + √3 साइन 18 cos 72 सभी हमने बताया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके आगे ये आपका 9 था 10 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 10 ये बोल रहा है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, मतलब रेगुलर हेक्सागोन का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछ रहा है। तो n की जगह पर आपके प्रश्न में दिया है 6। आप जानते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, इसका आपको एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n - 2 × 180° ये आपको होता है सभी अंतःकोणों का योगफल प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा बटा n, n की जगह पर आपको 6 रखना है तो 6 - 2 × 180° बटा कितना हो जाएगा 6 से ये कैंसिल कर दीजिए 30 तो 30 × 4 या 4 × 30 आपका आंसर कितना हो जाएगा 120°। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सैनिक शिविर में 45 आदमी के लिए 130 दिनों का भोजन सामग्री है, मतलब 45 आदमी के लिए 130 दिनों का भोजन सामग्री है। आगे प्रश्न में लिखा गया है 10 दिन बाद 25 आदमी चले गए, 10 दिन बाद 25 आदमी चले गए तो 10 दिन बाद मतलब शेष यानी कि 120 दिन के लिए रहेगा तो 130 में से 10 घटा दिए यहीं पर। और फिर आगे प्रश्न में लिखा है 25 आदमी चले गए, पहले 45 आदमी था 25 आदमी चला गया मतलब 45 - 25 या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 20 तो शेष मतलब भोजन कितने दिन चलेगा,
तो मान लिए कि डी दिन चलेगा या एक्स दिन चलेगा, तो यहाँ पर से एक लाइन नीचे सोल्व कर लीजिए, ये 120 हो गया, ये 45 में से 25 घटाएगा तो ये तो 20 हो जाएगा ना, और इसे हल कर देंगे 20 छक 20 से, तो 45 छक कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24 और 3 = 27 यानी कि 270 दिन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 11। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य ये लिखा है 77,44,00 इतना रुपया है और 12% का मूल्यन हो रहा है, मतलब 12% की दर से कमी हो रही है, तो 2 वर्ष के पहले उसका मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना लिखा गया है 77,44,00 कितना आपके प्रश्न में लिखा है 12% की दर से अब मूल्यन हो रहा है मतलब घट रहा है, तो 12% से घट रहा है मतलब 88% यानी कि 88/100 लिखना चाहिए, लेकिन उल्टा लिखेंगे 100/88। ये कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, मतलब 100/88 का इस प्रकार से होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे हल कर दीजिए तो 77,44,00 और ये 100 × 100 भी लिख सकते हैं और ये नीचे 88 का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, तो 88 का स्क्वायर ये होता है आपका 88 का स्क्वायर होता है 100 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 88 का स्क्वायर 77/44 होता है, तो 1 × 2 = 2, 4 × 6 = 0 मतलब आपका 1,000,000, 1 × 5 = 0 का मतलब क्या होता है कि 1,00,000, तो इसे बोल सकते हैं 10,00,000 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। ये बोल रहा है यदि केले के मूल्य में 10% की कमी कर दे तो 225 रुपये में 10 केले अधिक मिलते हैं, तो एक दर्जन केले का मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है आपके प्रश्न में। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे इस प्रकार से कि खपत या जिसे आप खर्च बोलते हैं, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है किसी वस्तु का मूल और उसका मात्रा का गुणनफल, मात्रा मतलब क्वांटिटी जिसे बोलते हैं। तो इसे अगर जो खर्च को आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, खर्च को कांस्टेंट रखेंगे मतलब इसे स्थिर रखेंगे, तो अगर जो मूल ए अनुपात बी में है तो इसका मात्रा कितना हो जाएगा, बी अनुपात ए, आपको यह पहले पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर ये हमने आपको रूल बताया, इसका बेसिक रूल होता है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक बता देते हैं, शॉर्टकट भी बताएंगे। तो देखिए लिखा है प्रश्न मूल्य में 10% की कमी, प्रश्न में लिखा है मूल्य में कितना लिखा है 10% की कमी, मूल्य में लिखा है 10% की कमी, तो अब यहां पर बना रहे हैं। देखिए मूल्य आपके प्रश्न में दिया है मूल्य में 10% की कमी, कहने का मतलब पहले मूल्य और बाद में मूल्य, बाद में कहने का मतलब जिसे अब भी बोल सकते हैं या वर्तमान समय भी इसे बोल सकते हैं कि वर्तमान में, पहले कहने का मतलब क्या था भूतकाल में, तो 10% कमी कहने का मतलब मूल्य में 10% की कमी हो गया, पहले 100 रुपया था मूल्य तो अब हो गया 90 रुपया, पहले 100 रुपया मूल्य था तो अब हो गया 10% कमी कहने का मतलब 90 रुपया। अगर जो रेशियो निकालेंगे तो 10:9 तो मात्रा इसका कितना हो जाएगा, मूल्य ए अनुपात बी तो मात्रा बी अनुपात ए होता है, तो मात्रा कितना हो जाएगा आपका 9:10, इतना समझे, यानी कि रेशियो में एक अधिक मिल रहा है, मतलब रेशियो में एक केला अधिक मिल रहा है, रेशियो में है एक अधिक। आपके प्रश्न दिया है कि देखिए 10 केला अधिक मिलता है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में 10 दिया है, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 यानी कि 90, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 90। उसी प्रकार से 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 10 है तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 10 कहने का मतलब 100 यानी कि ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 जिसे 100 बोलते हैं, तो ये आपका मात्रा हो गया, कहने का मतलब मात्रा का मतलब वजन होता है जिसे, तो 90 केला यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 100 केले हो गए। तो देखिए ध्यान से आपके प्रश्न में दिया है क्या कि 225 रुपया था, 225 रुपया कहने का मतलब 225 रुपया में 90 केला, यहाँ पर आपको पहले वाला पूछ रहा है, तो लिखते हैं चुकी के नियम से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट भी बना सकते हैं। देखिए प्रश्न में लिखा है कि 200 पहले के बारे में बता रहे हैं, पहले है जो 225 रुपया में कितना है, 225 रुपया में 90 केला, 225 रुपया में 90 केला मिल रहा है, या इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि 90 केला मिल रहा है कितना, 225 रुपया में 90 केला मिलता है कितना में, 225 रुपया में, तो एक केला कितना में मिलेगा, एक केला मिलेगा आपका 225/90 रुपया में, तो आपके प्रश्न में बोल रहा है कि प्रति दर्जन यानी कि 12 केला, तो 12 केला कितना में मिलेगा, पहले मिलता था तो 225/90 × 12 यही हो जाएगा,
तो यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट 225 बटा 90 गुना 12। ये पहले वाला पूछेगा तो इस प्रकार से, अगर जो अभी वाला पूछता वर्तमान वाला तो 225 बटा 100 गुना क्या करते 12। तो यही हमें पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रति दर्जन। ये आपका हो जाएगा प्रति दर्जन, ये आपका हो जाएगा पहले वाला मूल, ये आपका निकाल रहे हैं मूल, मूल निकाल कर आ जाएगा पहले वाला। तो हल कर दीजिए, तो 9 ये आपको इस प्रकार से 30 या 90 और ये 4 या 12 और भी 15 दुनी 30, 2 दुनी 4 और 15 225 होता है, तो 15 गुना 30 यानी कि 30 रुपया प्रति दर्जन आपका पहले मूल था। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूरा बेसिक से बताया, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसके आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये बोल रहा है कि एक पिता है जो किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, पिता और पुत्र दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब कोई पिता है जो किसी काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं, और आगे प्रश्न में लिखा है कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा समाप्त करेगा। तो 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 28 आपका हो जाएगा एलसीएम, मतलब 28 काम आपको, 28 यूनिट काम आपको टोटल करना है। तो ये 7 चौक 28 के 4 के क्षमता से पिता जो 4 के क्षमता से काम करेंगे, पिता है जो, और पिता और पुत्र दोनों मिलकर 4 से 28 7 के क्षमता से काम करेंगे। तो पिता और पुत्र का क्षमता 7 है, जिसमें पिता का क्षमता 4 है, तो घटा देंगे 7 माइनस 4, तो कहने का मतलब पुत्र का क्षमता कितना हो गया 3, यानी कि टोटल 28 काम करेगा 3 के क्षमता से, तो इतना दिन आपका लगेगा। इसे आप यानी कि पूर्णांक में भी लिख सकते हैं 3 सत्य या 3 × 27, तो 9 पूर्णांक 1/3 दिन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था कितना 14। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको लिखा गया है कि 0.666 .. का मान कितना होगा। मतलब इस प्रकार से 0.666 का मान कितना होगा, जो ये आपके प्रश्न में दिया गया है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे इसे बनाते हैं, आपको पता होगा कि दशमलव के बाद एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.6 पर एक बार या एक बिंदु भी इस प्रकार से आप दे सकते हैं, तो जो चाहे आप लिख सकते हैं, मतलब 0.6 पर बार भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे लिखा जाता है 6/9 और 6/9 को 2 × 6 = 9, मतलब 2/3 आपका इस प्रकार इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर किया, और भी जो क्वेश्चन आएगा तो उसका हम ये आपका पार्ट 1 अगर जो रखेंगे तो उसका पार्ट 2 कर देंगे। ये आपका 27 मार्च 2021 शिफ्ट 1 और 2 दोनों का हमने यहाँ पर आपका सोल्यूशन दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा जो इस, ये आपका फेज 5 का लास्ट एग्जाम है, अब इसके आगे कराएंगे। फेज 6 स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, जो भी एग्जाम हुआ है उसका भी सोल्यूशन देंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद है, आपका कोई भी जो सोल्यूशन हम दिए हैं इसमें से किसी भी सोल्यूशन आपको यूनिक लगा हो और उसमें नया आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें।